डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तीन रूल डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट रूल था अपना पावर रूल, सॉरी कोस्टेंट का जो डेरिवेशन होता है, या सॉरी डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। उसके बाद सेकेंड था अपना पावर रूल, एक्स की पावर एन का, जिसमें हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा था। उसके बाद थर्ड था अपना कोस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है, अगर मान लो कोई दो फिजिकल क्वांटिटी हैं या दो वेरिएबल हैं यू और वी, और एक दूसरे के ये मल्टीप्लाई में हैं, तो हम इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का, ये मल्टीप्लाई है दोनों, प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है यू, यू को आप ऐसे कैसे लिखो, उसके बाद डेरिवेटिव करो आप वी का, वी हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस, अब आप वी को ऐसे कैसे रख लो, और इस बार डेरिवेटिव करना है अपने को यू का, तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है? तो देखो, अगर मल्टीप्लाई में है तो कैसे करेंगे, पहले इसको एज इट इज रख देंगे और डेरिवेटिव वी का कर देंगे, फिर अगली बार बीच में प्लस का साइन आएगा, इसको एज इट इज रख दो और डेरिवेटिव कर दो यू का। तो एक बार यू का करना होता है, एक बार वी का करना होता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला अपने को लर्न होना चाहिए। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको यू कंसिडर कर लेते हैं और इसको कंसिडर कर लेंगे वी, तो ये हो गया यू इंटू वी हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग में यू लिखेंगे हम, तो ये यू है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स वी का, तो वी की वैल्यू है यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वी, वी को एज इट इज लिख देंगे, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और इस बार डेरिवेटिव करना है अपने को यू का, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स। यू की वैल्यू देखो कितना है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये जो रूल फोर है, इससे पहले एक रूल और है उसको और समझ लो, इसको रूल फाइव हम पढ़ेंगे। तो रूल फोर है उसको समझ लो, अगर कोई भी दो वेरिएबल ऐड हो रहे हैं तो उसको हम कैसे करते हैं, तो डी बाई डी एक्स यू प्लस वी। क्लियर है? तो दो नंबर है जो ऐड हो रहे हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो एक बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है कि नहीं? मतलब यू प्लस वी है तो एक बार यू का कर देंगे, दूसरी बार हम वी का कर देंगे, तो इस टाइप से इसको लिख देंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो, आपसे अगर कोई पूछता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वन। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स, बिकॉज जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर वन बचेगा, तो ये टू एक्स हो गया। ये कोस्टेंट है वन, तो कोस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, तो आंसर आ जाएगा अपना टू एक्स। क्लियर है भाई? तो ये रूल फोर था, अब ये रूल फाइव है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लाई वाला। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, अगर प्रोडक्ट है दो नंबरों का तो इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो अपने को डिफरेंशिएट करना है, इसको ऐसे कैसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब आपको डिफरेंशिएट करना है टू एक्स स्क्वायर को। देखो टू एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो टू तो कोस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको आता है टू एक्स, देखो जो पावर है वो आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, टू थी तो वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा फोर एक्स। क्लियर है भाई? तो हमने टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, तो कितना हो गया फोर एक्स,
टू एक्स स्क्वायर। अब अपने को डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो ये भी आपको करके दिखाया था। देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे हम, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वन। क्लियर है भाई? तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एक्स, और वन कोस्टेंट है इसलिए उसका हो जाएगा जीरो, तो टू एक्स प्लस जीरो दैट इज टू एक्स। तो ये आ जाएगा अपना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो फोर एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स को वन से करेंगे तो हो जाएगा फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर को टू एक्स से करेंगे तो हो जाएगा फोर एक्स क्यूब। तो देखो फोर एक्स क्यूब और फोर एक्स क्यूब ये हो जाएगा एट एक्स क्यूब, एट एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, दैट इज आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल के हेल्प से। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ते हैं कोटिएंट रूल, मतलब अगर डिवाइड हो यू अपॉन वी हो तो हम कैसे करेंगे, तो वो है नेक्स्ट अपना रूल नंबर सिक्स। ये सारे रूल अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। डेरिवेटिव जो टॉपिक है बिल्कुल आसान है, इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट अपना क्वोटिएंट रूल, रूल नंबर सिक्स। TINT क्वोटिएंट रूल, QU क्वोटिएंट रूल, इसको एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना भाई।